तुम अम्मा के लिए सही नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया भाई। तुम अम्मा के लिए सही नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अम्मा का ख्याल सिर्फ और सिर्फ बिंदिया रख सकती है। बिंदिया की जीत पर क्या होगा पायल का पलटवार? बिंदिया फिर आई क्रिश के घर पर। क्रिश, बिंदिया, अम्मा जी और अपने पापा को लेकर आया घर। यहाँ पर अलग ही ट्विस्ट आ गए सुहागन में। भाई हम देख रहे हैं कि कैसे बिंदिया, पापा और जो अम्मा है वो घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उनको पसंद नहीं कर रहा था। इंदू ने स्पेशली बोल दिया था कि भाई मैं और मेरे बेटे एक तरफ है और तुम देख लो तुम्हें क्या करना है अपनी मम्मी के साथ, उनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, क्योंकि जिस तरीके की वो हरकत कर रही है ना वो कोई भी सहन नहीं कर सकता है। हमने देखा था ना किस तरीके से उन्होंने पायल को धक्का देने की कोशिश की थी, वो बची गई थी, बिंदिया ने बचा लिया था, और फिर वो चाकू भी मारने को होती है लेकिन फिर बिंदिया बीच में आ जाती है। तो यहाँ पर सब डरे हुए थे बहुत, लेकिन जो इंदर है ना वो बोलते कि मैं अपनी मम्मी को कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ, और अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनसे खतरा है तो फिर मैं अपनी मम्मी को लेके चला जाता हूँ, मैं उनके साथ रहूंगा। और बिंदिया और वो तीनों लोग चले जाते हैं, और यहाँ पर जो बिंदिया है ना वो कहती है कि हॉस्पिटल में कैसे लेके जाओगे आप? तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया भाई। तुम अम्मा के लिए सही नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अम्मा का ख्याल सिर्फ और सिर्फ बिंदिया रख सकती है। बिंदिया की जीत पर क्या होगा पायल का पलटवार? और यहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला भी था कि उनके अंदर थोड़ा सुधार आ रहा है, थोड़े इमोशंस का और सारी चीजों का उनको पता लग रहा है। तो यहाँ पर बिंदिया बोलती है कि चिरैया लेके चलते हैं वहां पर, शायद और वो चीजें सब लोगों के साथ रहेंगी, थोड़ा प्यार मिलेगा उनको, तो थोड़ी तबीयत शायद ठीक हो जाएगी। तो इतने में तीनों लोग चिरैया जा रहे होते हैं और क्रिश आ जाता है गाड़ी लेकर, और क्रिश उनको उतार लेता है और वापस लेकर आता है घर। यहाँ पर बड़ा मजेदार सा सीन हो रहा है, जो अम्मा जी है उनको पुराने गाने पसंद है और यहाँ पर एफएम में पुराने गाने बज रहे हैं, और क्रिश बहुत इरिटेट हो रहा है बिंदिया और अम्मा जी को देखकर, और बंद कर देता है। और फिर अम्मा जी ना पीछे सीट पर उसको धक्का देती है कि नहीं चला चला, फिर क्रिश चला देता है, और यहाँ पर बिंदिया और अम्मा जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया भाई। तुम अम्मा के लिए सही नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अम्मा का ख्याल सिर्फ और सिर्फ बिंदिया रख सकती है। बिंदिया की जीत पर क्या होगा पायल का पलटवार? और कहीं ना कहीं क्रिश के जो पापा है ना वो बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बिंदिया दोबारा घर जा रही है। अब भाई पायल का क्या होगा, क्योंकि जैसे ही इन लोगों की एंट्री होती है ना तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, और वो देखती है कि अम्मा जी पापा के साथ बिंदिया भी दोबारा आ गई है, और वो फिर कहती है क्रिश कि तुमने ये क्या किया, तुम बिंदिया को क्यों लेकर आ गए, तुम्हें पता है ना उसने मेरे साथ क्या किया था। तो यहाँ पर वो क्रिश बोलता है कि एक काम करो भाई, बिंदिया उनको देख रही है ना अम्मा को, तुम जिम्मेदारी ले लो यहाँ पर अम्मा को देखने की, अगर तुम अच्छी तरह जिम्मेदारी निभा पाओगी तो हम बिंदिया को घर से बाहर निकाल देंगे। तो भाई अब देखना होगा कि पायल कैसे जिम्मेदारी निभाती है। और यहाँ पर भी बिंदिया को थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि पायल जानती है ना वो कुछ भी कर सकती है, और यहाँ पर उसको पता है कि जब बिंदिया के निकालने की बात आ रही है तो यहाँ पर पायल कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगी दादी को। तो अब देखते हैं कि कैसे बिंदिया बचाती है पायल को दादी से।